कुछ मचमच चल रहा है इन लोग का, कुछ तो मचमच। पहले तो तू भाई, पहले तो इज्जत से बात कर ले, लड़की है कम से कम कुछ रिस्पेक्ट दे सकता है। रिस्पेक्ट दे रहा हूँ तभी तो मैडम बैठी है। क्या रिस्पेक्ट दे रहा है, ऐसे बात कर रहा है मैडम? नहीं वैसा, हमदर्द हमदर्द ये सब क्या है, हमदर्द ये सब क्या है, लैंग्वेज संभाल पहले अपनी। सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका दोस्त सुफियान। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। आज के नए वीडियो में सभी को स्वागत करता हूं, वेलकम एंड स्वागतम। तो कैसे हैं आप लोग? मैं हूं एकदम बढ़िया। और आज बहुत दिन के बाद मुझे कैमरा उठाने का मौका मिल गया फाइनली, क्योंकि यार मुंबई आने के बाद ना इतना ज़्यादा बिजी हो गया था अपने काम में, अपने बिजनेस में, तो मुझे टाइम मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुआ। आज बहुत मुश्किल से जो है ना टाइम निकाल के मैंने कैमरा उठा लिया। और बाइक भी मेरी एकदम गंदी हो चुकी थी, हिमालयन एकदम जो है ना गंदी हो चुकी थी, इसलिए मैं मतलब चलो यार आज टाइम निकाल के इसको वॉश कराते हैं और फिर निकलते हैं एक छोटी सी राइड पे, एक यहीं पे अपना एक राउंड मारेंगे। उसके बाद जो है ना, क्योंकि दिल कर रहा था ना यार, बहुत दिन हो गया हिमालयन चलाए हुए, तो अंदर से हो रहा था कि चलो यार निकालते हैं, तो चलो जाते हैं। ये देखो मस्त चमक रही है, एक नंबर। उनके बाद तो निकाल रहा हूँ तुझे बड़े प्यार से। चलो क्या फीलिंग है यार, इतने दिन के बाद चला रहा हूँ हिमालयन, अच्छा लग रहा है। और ये गार्डन है, और ये गार्डन में हम लोग कभी कभार आते हैं ऐसे वॉक करने के लिए, क्योंकि हमेशा तो टाइम नहीं मिल पाता है। और बहुत ही बढ़िया वाला गार्डन है, मिल्लत नगर लोखंड वाला के पास में ही है ये गार्डन। और ट्रैफिक में ना यार हिमालयन लेके चलना ना थोड़ा भारी पड़ता है, इसलिए मेरा निकालने का दिल भी नहीं करता है। जबकि इधर लंबा जाएंगे ना तभी निकालेंगे। और ट्रैफिक में चलने के लिए मैंने एक्टिवा तो ले ही लिया है, तो मस्त एक्टिवा है। यहाँ पे लोकल चलने के लिए मैं एक्टिवा निकालता हूँ, मस्त चले जाता हूँ। ट्रैफिक भी बहुत होती है ना यार मुंबई में, इसको इसके लिए सोचना पड़ता है निकालने के लिए हिमालयन को। और ये यहाँ से स्टार्ट हो जाता है लोखंड वाला मार्केट का एरिया, क्या बोलते हैं, जबरदस्त है ना, महंगी मार्केट है लेकिन लोखंड वाला नाम है तो यार लोखंड वाला तो फेमस एरिया है ना मुंबई का, तो महंगी तो होगी ना। है यहाँ पे भी ट्रैफिक भारी यार, चलो बाहर ही निकलते हैं यार, क्योंकि शाम का टाइम है ना, इसलिए यहाँ पे भी ट्रैफिक होती है क्योंकि पब्लिक सब निकलती है ना शॉपिंग करने के लिए, तो इसलिए ट्रैफिक है। चलो बाहर निकलते हैं, बैक रोड साइड में चलते हैं, देखते हैं उधर का सीन। ये अभी बाहर निकल गया है ना मार्केट से यार, ये शांति वाला एरिया है मस्त, इधर मैच वैच चल रहा है, उधर गया बहुत भीड़ भाड़, ट्रैफिक हो जाती है ना शाम के टाइम। अरे क्या हुआ इधर, कुछ मचमच चल रहा है इन लोग का, कुछ तो मचमच चल रहा है भाई, वो देखता हूँ एक मिनट क्या हो गया इन लोग को, क्या मचमच है भाई, कुछ तो मचमच है, क्या हो गया, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ, वो थोड़ा गाड़ी बंद हो गई। हाँ स्टार्ट नहीं हो रही, तो मैडम बोल रही क्या क्यों लग गया, ऐसे क्यों लग गया, उधर से ट्रैफिक था इसके लिए मैं इधर से लेके आया, मुझे थोड़ी ना पता था कि मेरी गाड़ी बंद हो जाएगी और मैडम इतना मेरे ऊपर भड़क रही है। मैडम ऑटो तो बहुत आएगी, आएगी तो मैं आपको दे देता हूँ, वेट कर लो, 5 मिनट तो आप वेट कर सकते हो ना, यहाँ पे 5 मिनट वेट कर सकते हो ना। ये कौन सी बात हुई, बोलो ऑटो लेके आइए, कहाँ से लेके आओ, बताओ लाना चाहिए ना, क्यों लेके आए फिर, आपको तो पता है आपकी बैटरी वाली चार्ज नहीं है, इतनी नहीं चलती है। मेरा जो मीटर हुआ है, आप मेरा मीटर का पैसा दे दो, मैं आपको कौन सी बात हुआ, एक तो आप पैसा क्यों मांग रहे हैं भाई, अरे भाई एक तो उनको घर तक छोड़ा नहीं पहले तो, ठीक है ना, और उसके बाद अभी पैसा मांग रहा है, तो ये कौन सी बात हुई, अपने को नहीं पता था भाई साहब की मेरी गाड़ी बंद हो जाएगी, आपकी गाड़ी चल रही है बंद हो जाएगी तो आपको पता है क्या, नहीं पता है ना वो मैडम मेरे ऊपर फोकड़ भरक रही है ना, कि बीच रास्ते अभी बीच रास्ते में तू छोड़ दिया, उसके बाद बोल रहा है पैसा दो, जानबूझ के मैं छोड़ रहा हूं, और उल्टा ऊपर से पैसे मांग रहे हो आप, तो क्या करूंगा मैडम, उतना पहले तो तू भाई पहले तो इज्जत से बात कर ले, लड़की है कम से कम कुछ रिस्पेक्ट दे सकता है। रिस्पेक्ट दे रहा हूं तभी तो मैडम बैठी है, क्या रिस्पेक्ट दे रहा है, ऐसे ऐसे
पहले तो भाई इज्जत से बात करेगा तभी ना, अभी लड़की है वो एक ऐसी शांति एरिया में, अभी यहाँ पे रिश्ता कुछ कोई भी नहीं, मैं गलती से आ गया, मैं तो ऐसे राउंड मारते हुए दिख गया मुझे, वही तो बोलो भाई ये गाड़ी है, तू कैसे बदतमीजी से बात करेगा पता नहीं। आपके सामने देखो मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टार्ट हो रही है क्या, अभी मैं क्या कर सकता हूँ, अरे मैं समझ रहा हूँ, करने के लिए बोलूंगा ना उनको, अरे तू पैसे किस मुंह से मांग रहे हैं, अरे वो भी कहाँ जा सकती है, अभी आया हूँ मैडम, तू पैसे नहीं लूंगा मैं, आपको दूसरा ऑटो करके दे रहा हूँ, बीच रास्ते में किसी को छोड़ देंगे और पैसे मांग रहे हो, जानबूझ कर थोड़ी ना मैं छोड़ रहा हूँ आपको, किस चीज के पैसे मांग रहे हो आप, मैं मेरा जो हुआ है वो मैं मांग रहा हूँ आपसे, एक्स्ट्रा थोड़ी नहीं मांग रहा हूँ, आप मुझे घर तक छोड़ो, ठीक है नहीं छोड़ा, वो गाड़ी घोड़ा है वो हो जाता है, किस चीज के दूं जब मैं घर पे सेफ पहुंची नहीं हूं अभी तक, तो मैं पैसे किस चीज की दूं आपको, अजय कितना पैसा हुआ तुम्हारा बताओ, आप पैसे मत दीजिए, कितना पैसा हुआ, नहीं जितना भी हुआ, ठीक है कितना, तुमको कहाँ जाना है, मुझे मलाड जाना है, मलाड जाना है आपको, आप छोड़ो क्या हमदर्द बन के आए हो आप, अरे छोड़ दूंगा क्यों, ऐसा अकड़ में क्यों बात कर रहा है भाई, तुझे क्या हो गया भाई, मेरे को पैसा चाहिए, कोई भी पैसा चाहिए ना, इज्जत से बात करना, पैसा चाहिए ना, पैसा चाहिए, पहले मैडम ने इज्जत से बात करना, पहले मैडम नहीं वैसा हमदर्द, ये सब क्या है हमदर्द, ये सब क्या है, लैंग्वेज संभाल पहले अपनी, मैडम आप गाड़ी से उतर जाओ, गाड़ी खराब हो गई, किधर जाऊंगा, किधर लेके जाऊंगा, वो उतरेंगे ठीक है, ठीक है उतारो उनको और लेके जाओ आप, मेरा क्लियर कर दो पैसा और मैं चला जाऊं, बात खत्म हो जाएगी, मैं पैसे नहीं देने वाली, एक रुपए जिस से, ठीक है पैसा तो मैं लूंगा ही मैडम, आपको नहीं देने वाली, आपको जो करना है कर दो, ठीक है चलो ठीक है कोई बात नहीं, आपको मलाड जाना है, मैं वही साइड जा रहा हूँ, आपको छोड़ जाओ ठीक है, तू तेरा देख ले भाई, भाई तुम दो मेरा पैसा कैसे तेरा देख ले, तू पहले पहले तो इज्जत से बात नहीं कर रहा, तू सीधे मुंह बात नहीं कर सकता, मैं मैडम मैडम अभी बोल रहा हूँ, पहले बोल सीधे, मैं देख रहा हूँ तू बदतमीजी से बात किया है, तू मैं देख रहा हूँ क्या, मैं मतलब आपके कहने का मतलब मैं उनको छेड़ रहा हूँ अकेले में लाके गाड़ी, और क्या कर रहा है तू, ये क्या है, मेरे को मेरा पैसा चाहिए भाई, नहीं देगी मैं पैसा, आपको जो करना है आपको देना ही पड़ेगा मैडम, मैं जाने नहीं दूंगा, पैसा नहीं तो आप दे दो मेरे को, मेरी गाड़ी खराब हुई है, क्यों नहीं देंगे, नहीं देंगे, छोड़ो ना मेरा मीटर हुआ है भाई साहब, आप देख लो कितना मीटर, मीटर कितना हुआ भाई, ठीक है 100 रुपए मेरा मीटर हुआ, मांग रहे हो आप मुझसे बात करें, उनसे पैसे क्यों मांग रहे हो, आपसे तो बात कर रहा था कब से, भाई साहब बीच में आ गए तो उनसे ही करूंगा ना, तो भाई साहब आ गए मतलब गलत हो गया, गलती है ना यार, अरे हेल्प करने आया हूँ एक लड़की का, हेल्प करना गलत है क्या, ठीक है मैडम आप हेल्प कर रहे हो अच्छी बात है, मेरा पैसा देना है मुझे पैसा, किसी की हेल्प करना गलत है क्या, आपसे ही मांगू, आप आए उतने दूर से तो आपसे ही मांगूंगा ना, किसने बोला क्या, ठीक है छोड़ो, मलाड का रास्ता कहाँ से जाता है, ट्रैफिक था मैडम, नहीं नहीं मलाड का रास्ता बराबर है, मलाड का रास्ता इधर से जा रहे हो, अरे भाई साहब बैक गलत रास्ते से, खाली रास्ता है, रास्ते से जा ही रहे हो, पहली बात तो उनको जल्दी जाना है, लेके जाना चाहिए ना मार्केट से, तुम जल्दी जाना उनको, तो मैं कहाँ से लेके जाऊँ, मार्केट के अंदर से लेके जाऊँ ना, अगर तुम्हारी बाई चांस गाड़ी अभी ट्रैफिक रहती है तो उनको दूसरा ऑटो मिल जाएगा, अभी यहाँ पे तो ऑटो भी नहीं है, ट्रैफिक रहेगा तो आप मेरे ऊपर भड़कोगे इतना, ये वो फलाना ठिकाना, हमें तो नहीं पता था आपकी पेट्रोल वाली गाड़ी नहीं है ना मैडम, अभी मैं अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना, तो आप अपनी गलती एक्सेप्ट करो तो पैसा मत मांगो, ठीक है मेरा पैसा दे दो, जो भी अभी गाड़ी है गलती मान लेना, गलती मानता हूँ भाई, मान लिया गलती, मैं मेरी गलती मान रहा हूँ, तुम्हारे घर में भी होंगी ना लेडीज, हाँ है सबके घर में, तो ठीक है मेरे को भी पैसा लगेगा गाड़ी बनाने में, अपने घर की लेडीज की जैसे समझ के उनकी रिस्पेक्ट करो, मेरे को भी देखो भाई से बात करना, मेरे को भी गाड़ी बनवाने अभी जाऊंगा गैरेज पे, पैसा लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा वो बताओ, लगेगा बराबर है, वो तुम्हारा लुकआउट है क्या करना है, तुम्हारा गाड़ी तुमको बनवाना है नहीं बनवाना, ठीक है अपने को मच मच नहीं करना है मैडम, सॉरी आपसे जो भी मैंने बदतमीजी की, वैसे भी आपको आप बहुत मैं गुस्सा करता हूँ, अच्छी बात नहीं, गुस्सा कर रहे हो, ठीक है आप मेरे को मेरा पैसा दे दो, कितना हो रहा है तुम्हारा, दे देता हूँ, 100 रुपए हुए भाई, ये लो 100 रुपए, ठीक है निकलो, लेकिन नेक्स्ट टाइम ना ऐसा मत करना किसी लड़की के साथ में, बदतमीजी से बात मत करना, मैंने कुछ किया ही नहीं, बदतमीजी से बात मत करना, इज्जत से बात करना, जानबूझ के बंद करता है क्या बताऊं, जानबूझ के नहीं बात, मैं तो उनको लेके जा रहा हूं, जानबूझ के कोई भी नहीं करता है, ठीक है लेकिन एक इज्जत से बात कर सकते हैं किसी लड़की से यार, थ्रेडिंग करवाने से पहले ना दूर की एरिया तो पता देना, मेरा बैटरी वाला है, बैठेगा नहीं कोई, कोई भी गाड़ी बैटरी वाला ही होता है मैडम, कोई भी नहीं होता है, चलो कोई नहीं, हम कोई आज नहीं आए, ठीक है ठीक है आपको छोड़ देता हूँ, हाँ बैठ जाओ, जमेगा ना बैठने, कितना मचमच हो गया यार तुम लोग का सही बात है, हो जाता है जाने दो, इतना झगड़ा करने का नहीं रास्ते में, क्योंकि अभी तो मैं आ गया, चलो इधर गलती से समझो, हाँ नहीं नहीं सही बात है यार, अभी ये क्या है ना कि मैं गलती से इधर आ गया, चलो मैं राउंड मार रहा था ना इधर, गलती से आके देख लिया कि हाँ ये सब मचमच हो रहा है, नहीं तो आप तो अभी इधर फंसे ही रह जाते फिर, नहीं सही बात है, इधर सुनसान एरिया है ही है, इधर ऑटो भी बहुत कम आती है यहाँ पे, तो
आप तो आप गोरेगांव में रहते हो मलाड में रहते हो? गोरेगांव। अच्छा गोरेगांव में रहते हो। अच्छा तो गोरेगांव में तो मैं भी रहता हूँ, मैं तो इधर खाली राउंड मारने के लिए ऐसे आ गया था बाइक से। यहाँ पे आप जॉब करते हो क्या लोखंडवाला में? हाँ। अच्छा अच्छा कहाँ पे है, आगे है क्या? हाँ। तो यहाँ पे आपको छोड़ दूँ मैं? चलेगा चलेगा ना, चलो ठीक है, तो फिर मैं आगे निकलता हूँ क्योंकि आगे है मेरा। मोस्ट वेलकम, फिर मिलेंगे। अब मैं हाँ हाँ व्लॉग बनाता हूँ, मेरा यूट्यूब पे चैनल है मेरा। okay. क्या नाम से? एसएन सिद्दीकी। हाँ तो फिर कभी यहाँ से निकलूँगा तो आपको मैं कांटेक्ट करता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है, वेलकम। लेकिन अपना ऐसे ध्यान रखना क्योंकि ये सुनसान एरिया में। नहीं नहीं सही बात है, लेकिन देख के आपको तो रास्ता मालूम ही होगा ना कहाँ से जाने का, तो उन लोग को बोलने का। नहीं तो उन लोग क्या है ना कि उन लोग थोड़ा 10-20 रुपए का मीटर बढ़ाने के चक्कर में ना दूसरे रास्ते से लेके चले जाते हैं, तो उन लोग को बोलने का कि मैं जो रास्ते से बोल रही हूँ ना आप वहीं से लेके चलो, उन लोग की नहीं सुनने का। बोले कि मैडम मैं छोड़ दूंगा, आप टेंशन मत लो। वहाँ पे जाके ऐसा किए। हाँ ऐसा करता है कोई, ऊपर से पैसे भी ले लिए। चलो जाने दो, छोड़ो ना, क्या अभी पैसे के चक्कर में कितना बहस करेंगे उससे, ठीक है? आज मैं हूं, कल को कोई और रहेगा तो। सही बात है, क्योंकि मुंबई में बोला जाता है ना कि लड़कियां सेफ है। नहीं नहीं सेफ है, बट ऐसे लोगों की वजह से अनसेफ हो जाती है, अनसेफ हो जाती है। हाँ कुछ देखो हर जगह पे ना कुछ अच्छे कुछ बुरे लोग होते ही है, वही। नहीं नहीं बस ये है कि मैं आ गया गलती से, चलो ठीक है, ऐसी कोई हेल्प हो। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप भी किसी की हेल्प करना कभी अगर ऐसा कोई फंस जाए तो, ठीक है? चलो बाय। तो ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और आप भी आपके पास ऐसे कोई केस दिखता है या ऐसा कोई फंसा हुआ दिखता है तो ज़रूर आप उसकी मदद करिए, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का सबका ख्याल रखिए, टेक केयर एंड बाय बाय।